की होगी जहां पर एक किसान के साथ ठगी हो गई। किसान के जिला सहकारी बैंक के खाते से किसी ने 5,75,000 रुपए एटीएम के जरिए उड़ा दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसान को अभी तक एटीएम कार्ड तक नहीं मिला है। किसान बैंक के चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं किसान संघ ने बैंक को चेतावनी दी है कि अगर 8 दिन के अंदर किसान को पैसा नहीं लौटाया गया तो वे बैंक के सामने अनशन पर बैठेंगे। वो खाता से हम बिना एटीएम की पैसा निकल गई से हमारे खाता से। हमारा करीब 16 अप्रैल से 16 मई तक के 5,60,000। जिला सहकारी बैंक में किसान का अकाउंट है, वहीं का पूरा मामला है जहां पर किसान के खाते से 5,60,000 रुपए निकाल लिए गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, किसान ने एटीएम कार्ड इश्यू ही नहीं कराया था, उन्हें एटीएम कार्ड बैंक के द्वारा नहीं मिला गया था, लेकिन बावजूद इसके एटीएम के जरिए ही ये ठगी की गई है। और इसी के चलते ग्रामीणों में अब आक्रोश है। धोखाधड़ी से एटीएम के जरिए 5,60,000 रुपए किसान के खाते से निकाल लिए गए। शैलेंद्र पाठक जरा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 5,60,000 रुपए किसान के बैंक अकाउंट से निकाल दिए गए, लेकिन सवाल ये है जब एटीएम कार्ड इश्यू ही नहीं हुआ तो एटीएम के जरिए इतनी बड़ी ठगी कैसे? यही इसी पर कुछ तो सवाल है। आखिर किसान ने जो धान जब धान खरीदी के बाद जो सरकार ने पैसा दिया था, धान बेचने के बाद जो सरकार को पैसा मिला था और वो उसके सरकारी बैंक खाते में जमा था, तो खाता खुला तो उसके बाद उसको एटीएम और तमाम चीजें जारी होती है, लेकिन ये उस किसान तक पहुंचा ही नहीं। और 5,76,000 की राशि जो है, जबकि भी 3 महीने में अभी वो लड़की की शादी करने वाला था किसान जो है, ऐसे में उसके खाते से 5,76,000 निकल गए। अब बैंक प्रबंधन ने इस मामले में पूरा गोलमाल जवाब दे रहा है, जांच दे रहा है। हालांकि भारतीय ने इस मामले में रिपोर्ट की है, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी पूरी तरीके से सहकारी बैंक के अधिकारियों की बनती है, प्रबंधन की बनती है, क्योंकि इस तरीके से वो एटीएम पहुंचे ही नहीं और पैसा निकाल लिया गया, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो धीरेन्द्र मैं आपके पास लौटूंगा। धीरेन्द्र दुबे जुड़ गए हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ किसान संघ के हैं। धीरेन्द्र जी बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र जी, बिलासपुर का मामला है जहां पर जिला सहकारी बैंक से किसान के अकाउंट के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। 5,60,000 रुपए निकाल लिए गए एटीएम के द्वारा, लेकिन सवाल ये है कि जब एटीएम कार्ड इश्यू नहीं हुआ गा उसके बावजूद एटीएम से इतनी बड़ी ठगी हो गई। अब आप ऐसे में किसानों के प्रति जिसके साथ यह अन्याय हुआ है क्या मांग करते हैं और किस तरह की कार्यवाही चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। संवेदनशील विषय के साथ साथ किसान जो है बहुत ज्यादा शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होते। मोबाइल जो आज के हाईटेक मोबाइल प्रोसेस होता है, निश्चित तौर पर वो लोग बहुत ज्यादा प्रशिक्षित नहीं रहते जी। और जब उन्होंने अप्लाइड ही नहीं किया है एटीएम कार्ड का और उनके नाम से एटीएम कार्ड बन भी गया और पता नहीं किसने उस एटीएम कार्ड का पिन भी वहां से प्राप्त कर लिया और 5,60,000 रुपया निकाल भी लिए। अब इसमें संपूर्ण जवाबदारी बनती है बैंक प्रशासन की जी, क्योंकि देखिए बैंक प्रशासन के पास ही वह एटीएम है। बैंक प्रशासन, कल के जो समाचार में मुझे एक जानकारी मिली है, बैंक प्रशासन ने जानकारी दी है, मैंने सीओ के पास भी बैठा था तो उन्होंने बताया लगभग 1.5 लाख किसानों का एटीएम कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है जी। और बन के तैयार है जी। तो क्या इससे यह भी संभावना लगा सकती है कि 1.5 लाख जो एटीएम कार्ड बना है उसमें और भी कुछ लोगों के एटीएम कार्ड से फर्जी हो चुका है क्या? और सवाल ये भी है कि बैंक के अंदर से एटीएम कार्ड गुम हुए हैं और बैंक के अंदर से ये एटीएम कार्ड घूमना जो है निश्चित तौर पर बैंक प्रशासन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, आपने बैंक अधिकारियों से बात की इस पूरे मामले में, किसान के खाते से जो पैसा कटा है धीरेन्द्र जी, क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी, ऐसा संभव है? देखिए, बैंक प्रशासन का कहना है, मैंने राम कुमार कौशिक जी को उनका जिला सहकारी बैंक के सीओ के पास लेकर के कल गया था। ठीक है, और बैंक प्रशासन का जो कहना है कि हम बहुत जल्द जो है कार्रवाई करेंगे। नहीं, कार्रवाई किस तरह की करने का देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान को तो रिकवरी मिलनी चाहिए ना, उसके खाते से तो पैसा कटा है, उसने एटीएम कार्ड भी नहीं लिया। उसके अगेंस्ट में हमने उनसे सीओ से बोला कि भाई देखिए आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो विषय का जांच का विषय है। अभी फौरी तौर पर
कृषक जो है उसको भी बहुत सारी आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि किसान को इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी। शैलेंद्र मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे एक सवाल का जवाब और जानना चाहूंगा। शैलेंद्र, एटीएम से 5,60,000 रुपए निकाल लिए गए, एटीएम मशीन के द्वारा डेबिट हुए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की गई, मॉल्स में जाकर शॉपिंग की गई, कैसे हुआ? अगर एटीएम मशीन के थ्रू ये डेबिट हुए हैं तो जिस एटीएम मशीन के पास एटीएम बूथ पे जो शख्स गया है, क्या उसका फोटो, सीसीटीवी फोटो, कुछ इस तरह के साक्ष्य मिले हैं? अब यही सब जांच में, यही सब बातों को लेकर के बैंक प्रबंधन का कहना है कि ये सारी चीजें साक्ष्य हैं, जांच है, पुलिस को हमने दस्तावेज दे दिए हैं, हमारे विभाग की जांच भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजें खरीदी हो रही थी उसमें नहीं दिख रही है, केवल एटीएम से निकाले जाने की। मतलब साफ है कि जो बैंक प्रबंधन का एटीएम है और बैंक के पास भी जो एटीएम रहता है, तो ये पूरी जानकारी एटीएम बूथ में जाकर पैसों को निकाला गया है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी तमाम सारी जानकारी के लिए। लेकिन सवाल ये भी है शैलेंद्र कि एटीएम जिस बूथ में जाके पैसे निकाले गए हैं उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए और उससे पता चला कि आखिर कौन है वो शख्स जो एटीएम बूथ में अंदर गया था। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जबलपुर।